क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला हुआ है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन डिजिट्स इफ डिजिट्स मे रिपीट। रिपीटेशन आपको अलाउ है, ग्रेटर देन 23,000 आपने नंबर मालूम करने। अच्छा, इसमें उन्होंने ये चीज नहीं बताई वो डिजिट कितने नंबर के होने चाहिए। भाई 23,000 से तो ग्रेटर 2,30,000 भी होता है। अगर आप कहना चाहो अगर इसके नीचे आगे एक और जीरो लगा दो तो 2,30,000 भी से ग्रेटर होगा, लेकिन उसके अंदर 6 डिजिट होंगे। तो उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने डिजिट का नंबर हो जो 23,000 से ग्रेटर हो। तो एज्यूम आपने इसमें यही करना है कि 5 डिजिट का नंबर ही हो। आंसर भी बुक में इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ होगा, मैंने चेक नहीं किया। तो आपने एज्यूम यही करना है कि 5 डिजिट के नंबर हो, वरना पॉसिबिलिटी रुकेगी नहीं। वो 6 डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं, 7 के भी हो सकते हैं, 8 के भी हो सकते हैं, 9 के भी हो सकते हैं, आप कहां पे रुकोगे जाके। तो इसका मतलब 5 डिजिट का नंबर ही आपने बनाने हैं, ऐसे 5 डिजिट के नंबर जो 23,000 से ग्रेटर हो और वो इन 5 डिजिट से बने हुए हों। डेटा प्रॉपर आपको बना देना, सिंपल डेटा क्या बनता है लिख देना गिवन डिजिट। गिवन डिजिट कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 5, 6 लिख देना कि टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 23,000, ये हेडिंग बना देना। अब इसको सॉल्व कैसे आप करोगे, देखो इसको हम दो तरीकों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से ये आपने पूरा मेंशन करना है। पार्ट वन में आपने क्या करना है, ऐसे नंबर मालूम करने हैं जो 23,000 से लेके 29,999 हो, ठीक है। इनका तरीका यही होता है, कॉन्सेप्ट इनका यही होता है, इसी तरीके से आप सॉल्व करते हो। और दूसरे क्या बनेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी ऐसे नंबर जो 30,000 से ग्रेटर हो और कहां तक जाएंगे, 99999 तक, क्योंकि उसके बाद तो सिक्स डिजिट का नंबर बन जाएगा ना। तो इनको इस तरह सॉल्व करोगे, क्योंकि सॉल्व करने में आपको इसी तरह आसानी होगी, वरना कंफ्यूजन भी हो सकती है और सॉल्व करने में मसला भी हो सकता है। ये वो नंबर्स हैं जिनके स्टार्टिंग में 2 आ रहा है इन सब के अंदर, और ये जो नंबर्स हैं इनमें स्टार्टिंग में 3 भी आ सकता है, इसमें से 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, जबकि ये वो नंबर्स हैं जिनके स्टार्टिंग में 2 आ रहा है। तो आपको जब भी ग्रेटर का बोला जाता है ना, तो आप इस तरह उसको सॉल्व करते हो कि जैसे पुरानी बुक में एक सवाल था वो मैं एडिट करके यहां पे लगा दूंगा, इनफैक्ट वो बाद में लगेगा भी, तो आप लोग जरा उसको भी देख लेना। वो सवाल था कि 330 से ग्रेटर नंबर्स आपको मालूम करने थे, तो हमने उसमें ब्रेक किया था 330 से लेके 399 और फिर 400 ऑनवर्ड, ठीक है। तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई जब ग्रेटर वाला सवाल आता है ना, तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि फर्स्ट प्लेस जो है वो फिक्स रहे। जैसे अगर 23,000 बोला है तो ऐसे नंबर्स की पहले सीरीज बनाओ जिनके स्टार्टिंग में 2 आ रहे हैं और वो इस नंबर से ग्रेटर है 23,000 से, और फिर आप उनकी बनाओ कि जिनके स्टार्टिंग में 3 या कोई भी नंबर आ सकता है। इसको आप दो हिस्सों में आप डिवाइड कर रहे हो। अब सवाल है कि इस हिस्से को आप किस तरह सॉल्व करोगे। बड़ा आसान तरीका है, 5 डिजिट के नंबर है तो 5 फेसेस लगाओ, तो आप लिख देना टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स यहां पे कितने बनेंगे। पहली प्लेस पे तो बच्चों 2 आएगा, तो ये तो फिक्स है, पहली प्लेस के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है। अच्छा, डिजिट रिपीट हो रहे हैं इस बात को ध्यान में रखना, पहली प्लेस पे आपने 2 ही पुट करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। इस रेंज के अंदर जो भी नंबर्स होंगे उनकी पहली प्लेस पे 2 आएगा, तो 2 आपने पुट कर दिया, लेकिन रिपीटेशन अलाउ है, इसका मतलब 2 एक दफा आपने पुट किया वो दोबारा स्टॉक में आ जाएगा, मतलब दोबारा आप उसको पुट कर सकते हो। अब रही बात सेकंड प्लेस पे, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। सेकंड प्लेस पे आप 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर पहली प्लेस पे आपने 2 पुट कर दिया और सेकंड प्लेस पे आपने 1 पुट कर दिया, तो वो नंबर जो आपके पास बनेगा वो तो 23,000 से छोटा बन जाएगा, 21,000 समथिंग कुछ बन रहा होगा। इसी तरह सेकंड प्लेस पे आप 2 भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 2 पुट करोगे तो वो जो नंबर आएगा वो तो 23,000 से कम होगा। तो इसका मतलब आप सेकंड प्लेस पे जो पुट कर सकते हो वो 3 पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 23,000 से बड़ा नंबर ये हो सकता है ना, 23,000, ये देखो ये 23,000 से बड़ा नंबर है, इसमें सेकंड प्लेस पे 3 आ रहा है बिल्कुल। तो सेकंड प्लेस पे क्या क्या पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 5 पुट कर सकते हो, 6 पुट कर सकते हो, 2 और 1 पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां पे पुट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। जब आपने सेकंड प्लेस पे 3 पुट कर दिया, या फॉर एग्जाम्पल 5 पुट कर दिया, या आपने 6 पुट कर दिया, अब तीसरी प्लेस पे आप 1 भी पुट कर सकते हो, तीसरी प्लेस पे 2 भी पुट कर सकते हो, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1, 2, 2 पुट कर दो, ये भी 23,000 से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर यहां पे 5 पुट किया तो आप तो कोई मसला ही नहीं है, आप यहां पे कुछ भी 1, 1, 1 पुट कर दो, कुछ भी, वो 23,000 से ग्रेटर ही होगा। तो जो बाकी प्लेस है उस पर 5 ऑप्शन है, कुछ भी आप पुट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके अंदर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 125 होगा, 125 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 375। तो यहां पे आपको 375 ऐसे नंबर मिलेंगे जो कि 23,000 से ग्रेटर है। अब आप जरा इसको सॉल्व करो, अगेन आप 5 डिजिट बनाओगे, सही है। अब यहां पे जो नंबर होंगे उनके स्टार्टिंग में या तो 3 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, 1 और 2 तो नहीं आ सकता, 1 तो खैर स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं आ सकता,
इन में स्टार्टिंग में टू आ रहा था, जबकि इन में स्टार्टिंग में क्या आएगा, थ्री आ सकता है, फाइव आ सकता है, थ्री सिक्स आ सकता है। तो तीन ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। सेकेंड प्लेस पे आपके पास बेतलाशा ऑप्शन है, आप वन भी पुट कर सकते हो, आप टू भी पुट कर सकते हो, थ्री फाइव सिक्स कुछ भी पुट कर सकते हो, क्योंकि जिस नंबर के स्टार्ट में थ्री आ गया ना तो वो तो 23,000 से ग्रेटर ही होगा, ये तो लॉजिक है ना, सिंपल साइंस है इसकी। तो पांच ऑप्शन है, यहाँ पे पांच ऑप्शन, यहाँ पे पांच, यहाँ पे पांच, तो ये हो जाएगा 625। 625 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1875। अब आपने ऐड करना है 21, तो ये हो जाएगा 2250। बुक में शायद इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा सवाल का, मुझे आइडिया नहीं है, चेक करके देख लेना आप लोग। तो टोटल कैसे आएंगे, 375 प्लस 1875 टोटल 2250 ऐसे नंबर्स हैं जो 23,000 से ग्रेटर हैं, फाइव डिजिट के नंबर्स हैं, रिपीटेशन अलाउ होगी उसके अंदर और वो इन डिजिट से बने हुए होंगे। इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद आपने सवाल सॉल्व किया। 17 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 17 भी बहुत इजी आपका क्वेश्चन है, आपको लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर। अगेन फाइव डिजिट नंबर बनाने हैं तो आप पांच डैश लगा दोगे। गिवन डिजिट आपके पास क्या है, 1, 2, 4, 6, 8। आप लोग इसका प्रॉपर डाटा बना देना, आगे जो मैं एडिट करके लगाऊंगा ना पुरानी बुक के सवाल, उसमें प्रॉपर डाटा के साथ मैंने सब सॉल्व करवाया है, तो वहां से भी आप लोग हेल्प ले सकते हो। वैसे मैंने खुद भी आइडिया दिया हुआ है, व्हेन नो डिजिट इज रिपीट, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। पार्ट नंबर वन में क्या बोला हुआ है, के द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। देखो याद रखो, जो पार्ट नंबर टू लिखा हुआ है ना उसमें लिखा हुआ है 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये नॉट वाला सवाल होता है ना, इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीका होता है वो ये है कि टोटल में से माइनस करो। क्या माइनस करना है वो बाद में देखते हैं, टोटल की आपको जरूरत पड़ती है। हालांकि टोटल पार्ट वन पार्ट टू में ये नहीं आपको बोला कि टोटल बताओ पांच डिजिट के नंबर बन सकते हैं, ये सवाल नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन आप टोटल मालूम कर लो, ये बाद में आपके काम आएगा। तो पार्ट नंबर वन से पहले भी आप ये लिखोगे, लिख देना टोटल नंबर ऑफ टोटल फाइव डिजिट नंबर फ्रॉम ये जो आपके पास पांच डिजिट नंबर है। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी, इन पांच डिजिट से आप पांच डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, सिंपल तरीका है 5, 4, 3, 2, 1। फाइव फैक्टोरियल नंबर बन सकते हैं इन फाइव डिजिट से, फाइव डिजिट के नंबर्स जिनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी। उसके बाद पार्ट वन पे अगर आप आओ तो पार्ट वन में क्या है कि 2 और 8 जो है ना वो एक साथ ग्रुप बना दिया आपको, उन्होंने बोला कि 2 और 8 हमेशा एक साथ होने चाहिए। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने देखा, जब एक साथ कहते तो हम उसको ग्रुप बना देते हैं, तो 2 और 8 का ग्रुप बन जाएगा। तो आप यहां मेंशन कर देना कि 2 and 8 आर नेक्स्ट टू इच अदर, सो दे फॉर्म आ ग्रुप विच कंसीडर एज वन डिजिट। उसको आप एक मानो, क्योंकि वो ग्रुप बन गया ना, उसको हिला नहीं सकते, तो एक ही डिजिट है, जहां लेके जाना पड़ेगा आपको उसी को लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैं एक पॉसिबिलिटी बताता हूं आपको, एक नंबर है 1, 2, 8, 4, 6, फिर मैं लिख सकता हूं 1, 4, 2, 8, 6, फिर मैं लिख सकता हूं 1, 6, 2, 8, 4। अगर आप ऑब्जर्व करो इन सब पॉसिबिलिटी में 2, 8 को मैंने एक ही नंबर कंसिडर किया हुआ, मैं इनको अलग अलग नहीं कर रहा, तो ये समझ लो कि एक ही चीज है, ये दो नहीं है, क्योंकि आपने इसको एक आगे पीछे करना है इस पूरी चीज को, तो ये एक ही डिजिट माना जाएगा ना। जैसे आप 6 को आगे पीछे कर रहे हो, 4 को आगे पीछे कर रहे हो, तो 2, 8 को भी आप आगे पीछे कर रहे हो, तो 2, 8 एक डिजिट आपका कंसीडर हो रहा है यहाँ पे। तो अब लिख देना है कि इनका नेक्स्ट टू इधर, इसका मतलब ये दो ग्रुप बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, तो ये कंसिडर एज वन डिजिट, तो एक डिजिट ये हो जाएगा। रिमेनिंग डिजिट कितने हैं आपके, 1, 4, 6, 3 और है, तो टोटल 4 डिजिट अब आपके बनेंगे। तो 4 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 4 फैक्टोरियल। तो आप लिख सकते हो कि जब इन्होंने एक डिजिट बना लिया, रिमेनिंग आपके पास 3 डिजिट है, तो टोटल अब 4 कंसीडर होंगे। 4 डिजिट को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, लिख देना सुन में टोटल नंबर ऑफ बेस, 4 फैक्टोरियल तरीके होंगे। लेकिन जैसे मैंने वहां पे बुक वाले एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि ये 2, 8 आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं ना, मतलब एक पॉसिबिलिटी है 1, 2, 8, 4, 6, एक होगी 1, 8, 2, 4, 6। 1, 4, 6 की पोजीशन सेम है, 2 और 8 आपस में अरेंज कर रहे हैं, तो जो मैंने पॉसिबिलिटी लिखी हुई है ये डबल कर दो आप, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इन सब पॉसिबिलिटी मतलब ये 3 है ना, लेकिन हकीकत में 6 है, क्योंकि आप 2, 8 को अरेंज कर सकते हो, तो इसका मतलब हर पॉसिबिलिटी को आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये 4 फैक्टोरियल थी, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल होता है 24, ये होगा 2, इसका मतलब टोटल 48 नंबर ऑफ वेज यहां पे होंगे। और पार्ट नंबर 2 तो बड़ा आसान हो जाएगा, ये 48 वो नंबर्स हैं जिसमें 2 और 8 एक साथ आ रहे हैं। पार्ट नंबर 2 उन्होंने बोला था कि डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, वो दोनों एक साथ नहीं है। तो देखो टोटल तो नंबर्स ये थे, टोटल 5 डिजिट नंबर जो इन डिजिट से बने हुए वो 120 हैं। उन 120 में से 48 जो हैं उनमें 2 और 8 एक साथ आ रहे हैं, तो जो रिमेनिंग डिजिट होंगे उनमें क्या होगा, 2 और 8 एक साथ नहीं आएगा भाई। 48 में 2 और 8 एक साथ आ रहे हैं, तो बाकी की पॉसिबिलिटी में क्या होगा,
2 और 8 एक साथ नहीं आएंगे, तो वो कैसे पता चलेगा? टोटल में से 48 को माइनस कर दो। तो आप लिख देना कि when 2 and 8 are not next to each other, then total number of ways क्या होंगे? 120 में से आप माइनस कर दोगे 48 को, तो ये आपके पास आएगा 72 आ जाएंगे। हाँ, तो 72 वो नंबर्स हैं जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के साथ नहीं है। तो तभी मैंने कहा था टोटल निकाल लो, टोटल में से माइनस कर देना कि जिन नंबर्स में एक साथ हैं, तो जो रिमेनिंग नंबर आएंगे इसका मतलब ये बनेगा कि उनमें एक साथ नहीं है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, काफी सिंपल है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है कि हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर, अब 6 डिजिट के नंबर आपने बनाने, 3, 4, 5, 6, दैट कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। फ्रॉम द डिजिट आपको डिजिट दिए हुए 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला सवाल तो यही है, उसके बाद उन्होंने आगे एक और चीज पूछी है। तो भाई इनसे अगर आपने 6 डिजिट के नंबर बनाने, पॉसिबिलिटी वही होगी कि 0 यार पहली प्लेस पे नहीं आ सकता, वरना वो 6 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, वो 5 डिजिट का नंबर बनेगा अगर 0 पहली प्लेस पे आएगा। तो पहली प्लेस पे और रिपीटेशन अलाउ नहीं है यहाँ पे, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। तो पहली प्लेस पे आपके पास कितने ऑप्शन है? ये 5 ऑप्शन है, और नीचे लिख देना कि 5 कौन से ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 5। एज्यूम कर लो आपने पहली प्लेस पे 3 पुट कर दिया, अब अगली प्लेस पे कितने ऑप्शन है? 1, 2, 4, 5, 4, और आप 0 भी आप पुट कर सकते हो। 0 को पहली जगह पे मसला था ना, बाकी जगहों पे तो मसला नहीं है। तो अगली पोजीशन के लिए 0, 1, 2, 4, 5 ऑप्शन है। अगर रिपीटेशन यहां पे अलाउ होती तो इसका मतलब सेकंड प्लेस पे आप कोई भी 6 पुट कर सकते थे, थर्ड पे कोई भी 6, फोर्थ पे कोई भी 6, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जो भी आपने पहला नंबर यहां पे पुट किया होगा वो दोबारा पुट नहीं कर पाओगे, तो एक ऑप्शन आपका चला गया। वो कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि 3 पुट किया, कोई भी नंबर होगा, कहने का मतलब एक ऑप्शन आपका चला गया। अब पीछे कितने ऑप्शन है? पीछे 5 ऑप्शन है। अगेन एज्यूम कर लो आपने 0 पुट कर लिया, अब कितने ऑप्शन है? 4। कंसीडर कर लो 1 पुट कर लिया, अब 3, फिर 2, फिर 1। तो कहने का मतलब यहां पे 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया हुआ 5 से, इस तरह समझ लो 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 600 बनेगा, 600 बन रहा होगा। तो टोटल 600 ऐसे नंबर है जो इन 6 डिजिट से बनेंगे, वो 6 डिजिट के नंबर होंगे जिनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। 10th प्लेस कौन सी होती है? ये यूनिट प्लेस होती है, ये 10th प्लेस है, 100 प्लेस, इस तरह चल रहा होता है। तो ये 10th प्लेस है, तो वो आपको बोल रहे हैं कि बताओ एंड हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। वो कह रहे हैं कि जो 6 डिजिट के टोटल नंबर आपने मालूम किए हैं, ये 600 आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि बताओ ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें 0 जो है वो 10th प्लेस पे आ रहा है, मतलब 0 को वो 10th प्लेस पे फिक्स कर रहे हैं। देखो जब 0, इसका मतलब 10th प्लेस पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? क्या आप 0 पुट कर सकते हो? मेरे ख्याल में आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे शायद फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं हम आंसर पे। हाँ नहीं, आंसर पे फर्क पड़ सकता है, देख लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लेस पे 0 को फिक्स कर लिया। जो पुराना आपने सवाल किया था उसमें यह था कि पहली प्लेस पे आप 0 पुट नहीं कर सकते, तो आपके पास पहली प्लेस पे 5 ऑप्शन थे, रिस्ट्रिक्शन को आप सबसे पहले फिल करते हो, तो पहली प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन थी, मैंने उसको फिल कर दिया। इस सवाल में, इस पार्ट में उन्होंने बोला है कि यार रिस्ट्रिक्शन है 10th प्लेस के ऊपर, 10th प्लेस पे आपने 0 पुट करना है, कोई और पुट नहीं करना, इसका मतलब 10th प्लेस पे आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है 0। अब अगर आपने 0 पुट कर दिया तो पीछे 5 डिजिट बचेंगे, वो 5 आप यहां पे पुट कर सकते हो, फिर 4 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, फिर 2, और फिर यहां पे 1 बचेगा, इस तरह समझ सकते हो। तो ये आप पेपर में भी इस तरह करोगे, ये बेसिकली 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ना, 6 डिजिट के एक 600 नंबर आपके पास बन रहे थे, उन 600 में से 120 ऐसे नंबर होंगे जिसमें 0 जो है वो 10th प्लेस पे आ रहा होगा। अगर आप बाकी निकालना चाहो बाकी भी निकाल सकते हो। अगर आपको बोला जाए 0 यूनिट प्लेस पे आ रहा होगा, ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो आप निकाल सकते हो 1, 2, 3, 4, 0। अगर बोला जाए कि 0 ऐसे नंबर बताओ जिसमें 0 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, मतलब अब यहां पे 1 हो जाएगा, बाकी वही 5, 4, 3, 2, 1, तो 120 इसके आ जाएंगे। फिर अगर 0 यहां पे रखोगे, 10th प्लेस के ऊपर रखोगे आप, सॉरी 100th प्लेस के ऊपर रखोगे, तो 120 यहां पे आ जाएंगे। 0 अगर इस चौथी प्लेस पे रखोगे, 1000 प्लेस को कहेंगे, तो 120 यहां पे आ जाएगा। 0 अगर इस पे रखोगे तो 120 यहां पे आ जाएगा। पहली प्लेस पे 0 नहीं रख सकते, तो अगर आप देखो सबको ऐड करो तो 600 आ रहा है। तो 600 नंबर में से 120 नंबर है जिसमें 0 इधर आ रहा होगा, 120 है जिसमें यहां पे, 120 यहां पे, करते करते अगर आप ऐड करो तो 600 नंबर इस तरह आपके सामने बने हैं।
अच्छा इसके बाद इंशाल्लाह मैं एडिट करके लगा दूंगा वो क्वेश्चन जो पुरानी बुक में डिजिट के थे, उसमें कुछ नई बातें भी आप लोग सीख लोगे, उसको भी देख लेना, मजीद आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा एक और किस्म का सवाल भी होता है जो मैंने एमसीक्यूज में नॉर्मली देखा है, वो ये एक और रिस्ट्रिक्शन होती है कि यार बोले कि नंबर आपने इवन बनाने या ऑड बनाने। इसका मतलब है मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, बाकी तो इसके अंदर मजीद और केस भी आ सकते हैं, जीरो भी डाल दो, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये चार डिजिट हैं, आपको बोला जाए कि यार चार में से आपने थ्री डिजिट के नंबर बनाए जो कि इवन हो। अभी कैसे बनेंगे, आप सबसे पहले तीन प्लेसेस फिक्स कर लोगे। अब आपको पता है जो भी नंबर इवन होता है उसके एंड पे या तो टू आएगा या फोर आएगा, वन और थ्री तो नहीं आ सकता। तो आप क्या बोलोगे, रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पे यूनिट प्लेस के ऊपर है कि यहाँ पे कितने ऑप्शन है आपके पास। भाई यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो टू आ सकता है या फोर आ सकता है, कोई और नंबर नहीं आएगा। एज्यूम कर लो कि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो अगर आपने कोई एक नंबर यहाँ पे पुट कर लिया, अब बाकी प्लेस के लिए कितने ऑप्शन होंगे, वन थ्री और फोर, तीन ऑप्शन बचेंगे ना, तो तीन यहाँ पे आप पुट कर लोगे। फिर अगर वो भी आपने पुट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने फोर पुट कर लिया, अब आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, अब आपके पास दो ऑप्शन बच जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व। इसका मतलब इन चार डिजिट से अगर आप थ्री डिजिट के नंबर बनाओ और वो इवन हो जिसमें रिपीटेशन अलाउ ना हो तो वो क्या होंगे, ट्वेल्व होंगे। इसी तरह अगर आपको ऑड बनाने हैं तो ऑड में क्या हो जाएगा, सिंपल यहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं वन को हटा दूं, अब मैं आपको बोलूं कि तीन डिजिट से आपने तीन डिजिट के नंबर ही बनाने जो कि ऑड हो, इसका मतलब आखिरी प्लेस के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होगा जो कि थ्री होगा, वो यहां पे आप पुट कर लोगे। पहली प्लेस पे आप कोई भी दो पुट कर सकते हो, फिर इस प्लेस पे आप कोई भी वन पुट करोगे, तो टू वन वन, इसका मतलब दो नंबर ही आएंगे। और आप ये सेंस भी बना सकते हो कि इन तीन डिजिट से अगर आपने तीन डिजिट के नंबर बनाने तो टोटल छह नंबर बनेंगे। एक तो होगा टू थ्री फोर, एक होगा टू फोर थ्री, एक होगा थ्री फोर टू, एक होगा थ्री टू फोर, एक होगा फोर टू थ्री और एक होगा फोर थ्री टू। ये छह नंबर आपके पास बनेंगे तीन डिजिट के, इन तीन डिजिट में से। तो अगर आप इसमें देखो तो दो ही ऑड है, एक ये वाला ऑड है, इसी तरीके से एक ये वाला ऑड है, बाकी सारे इवन है। तो अगर आपको इसी एग्जांपल में बोला जाए कि तीन डिजिट है और तीन में से आपने थ्री डिजिट के नंबर बनाने जो कि ऑड हो, तो पॉसिबिलिटी आपके पास ये बन रही होगी, इस तरीके से पॉसिबिलिटी होगी। यूनिट प्लेस पे आपके पास एक ही ऑप्शन होगा जो कि थ्री, बाकी इस पे दो पुट कर दोगे, इस पे वन पुट कर दोगे। और अगर इवन बोला जाए तो इसका मतलब कि यूनिट प्लेस पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, मतलब टू और फोर पुट कर सकते हो, कोई एक पुट कर दिया तो यहाँ पे दो, यहाँ पे तो आप जरा देखो चार आ रहा है। तो अगर इवन ऑड का बोला जाए तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि इवन का मतलब रिस्ट्रिक्शन होगी यूनिट प्लेस के ऊपर, वहां पे आप क्या करोगे, टू फोर सिक्स एट जो भी सवाल में डिजिट गिवन होंगे वो आप देख लोगे जितने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और अगर ऑड का बोला जाए तो आप वो ऑप्शन देखोगे जो वन थ्री फाइव सेवन नाइन कुछ भी आप पुट कर सकते हो। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी आपको बता दी, असूल याद रखना जो रिस्ट्रिक्शन है उसको आप पहले फिल करते हो, आप इंशाल्लाह वो लेक्चर वो जो क्वेश्चन है उनको आप देख लेना, मजीद आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको कंडीशन क्या गिवन है, अगेन डिजिट से रिलेटेड है, सब डिजिट वाली करेंगे हम। लिखा हुआ हाउ मेनी नेचुरल नंबर ईच हैविंग थ्री डिफरेंट डिजिट, ये विदाउट रिपीटेशन को बोलने का एक और तरीका होता है। एक तो तरीका है वो आपको कैटेगोरिकल बोल देंगे यार रिपीटेशन अलाउ नहीं है, नो रिपीटेशन, एक डिजिट दो दफा यूज नहीं हो सकता, इस वर्डिंग में बोल देंगे, या बोल देंगे कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर ईच हैविंग थ्री डिफरेंट डिजिट। तो यहां से दो बातें आपको समझ आई है, एक तो नेचुरल नंबर जिसकी बात की जा रही है उसके अंदर तीन डिजिट होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है ईच हैविंग थ्री डिफरेंट डिजिट, मतलब तीन डिजिट होने चाहिए पहली बात, दूसरी बात डिफरेंट होने चाहिए, मतलब डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, रिपीटेशन अलाउ नहीं है दूसरे सेंस में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तीन डिजिट के आपको नंबर बनाने, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और गिवन डिजिट आपको छह डिजिट गिवन है, आपको इन्हीं में से आपको थ्री डिजिट के नंबर बनाने हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ नन ऑफ, अच्छा ये सवाल गलत है, मैं बता दूं गलत क्यों है, पार्ट वन में लिखा हुआ नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, इस सवाल की सेंस ही नहीं बनती। ये जो पार्ट वन पार्ट टू लिखा हुआ है इसकी सेंस ही नहीं है, क्यों सेंस नहीं है, जब सवाल में आपने अल्लाह के बंदो बोल दिया कि थ्री डिफरेंट डिजिट है तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो फिर इसकी क्या सेंस बनती है कि पार्ट वन में लिखा हुआ है नन ऑफ डिजिट इज रिपीटेड, पार्ट टू में बोला हुआ था डिजिट कैन बी रिपीटेड। भाई जब डिजिट रिपीट होंगे तो तीन डिफरेंट नेचुरल नंबर कैसे होंगे, फिर ये भंडा आपकी बुक में, ठीक है। तो अब अगर इस सवाल को आपने ठीक कर रहे हैं ना, तो आप बस इसको इतना कर दो, ईच हैविंग थ्री डिजिट्स, दैट्स इट, ये जो डिफरेंट की वर्डिंग थी ना सवाल में इसको हटा दो, तब ये सवाल बिल्कुल ठीक माना जाएगा, सही है। ये छोटे छोटे भंडा आपको मिल जाते हैं। बहरहाल सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे, आप लिखोगे गिवन डिजिट्स, क्या है आपको डिजिट्स गिवन, जीरो टू थ्री फाइव एट नाइन, ये डिजिट गिवन है। आपको बनाने हैं थ्री डिजिट के नंबर्स, सबसे पहला पार्ट है रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो रिपीटेशन
नॉट अलाउड। ठीक है, अब किस तरीके से आप करोगे? दूसरे पार्ट में रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन जिसपे अलाउ नहीं है, बिल्कुल वही तरीका जो अभी हमने किया है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ थ्री डिजिट, नेचुरल नंबर बोला नहीं है, सवाल में बोला हुआ था हाउ मेनी नेचुरल नंबर, थ्री डिजिट के नेचुरल नंबर कैसे बनाओगे? अगेन थ्री डिजिट का बनाना है तो तीन प्लेसेस है यहां पे, पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, तीन डिजिट का आपको बनाना है। अगेन वही बात जो मैंने मेथड बताया है उसी को आपने फॉलो करना है। पहली प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? आप अगेन पहली प्लेस में जीरो पुट नहीं कर सकते, भाई जीरो पुट कर दो तो वो थ्री डिजिट नंबर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 023, ये नंबर इन्हीं से बना है लेकिन ये थ्री डिजिट नहीं है, टू डिजिट है। जीरो शुरू में आ जाए औकात ही नहीं है उसकी, दरमियान में या एंड पे है तब उसकी बात होगी। ठीक है, तभी मैं कहता हूं किसी भी महफिल में शुरू में ना हो, बाद में आओ, फिर ज्यादा इज्जत बनती है। जितने हमारे सिंगर्स कॉन्सर्ट वाले जो होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, शुरू में आएंगे ना मजा नहीं आएगा ना, लोगों से पहले आके बैठ जाओ आप, सिग्निफिकेंस नहीं है। आखिर दरमियान में आओ सही है, आखिर में जितना आते उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है, एंड पे आप जीरो लगाते जाओ ओहो नंबर ऐसे बढ़ते जाते हैं, एंड पे आओगे तो फिर खैर अब करना नहीं है ना हो कि मेरे ऊपर लगा दो कि हमने बोला था, सर ने बोला था लेट आओ तो फिर लेट ही आओ, कि वैसे ही मैंने मजाक से बोला। खैर इसमें जीरो आप पुट नहीं कर सकते तो पीछे क्या बचेगा? 2, 3, 5, 8, 9 कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। ये पांच ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए, पांच ऑप्शन है भाई, पांच में से कुछ भी पुट कर दो यहां पर। फॉर एग्जाम्पल 2 पुट कर दिया, अब सवाल है कि सेकंड प्लेस पे कितने पुट कर सकते हो? 3, 5, 8, 9 और 0। 0 सेकंड पे तो आ सकता है ना, 0 थर्ड पे भी आ जाएगा, फोर्थ पे भी आ जाएगा, पहले का मसला था। तो पहली बात, बाकी जो चार डिजिट है वो तो वही वाले 3, 5, 8, 9 और 0 आपने ऐड कर दिया, तो सेकंड प्लेस के लिए भी कितने ऑप्शन है? पांच ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पुट कर दिया, अब आखिरी प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे? चार ऑप्शन बचे, 5, 8, 9, 0 चार ऑप्शन, दैट्स इट, वो भी पुट कर सकते हो चार में से। तो अगेन प्रोडक्ट प्रिंसिपल बहुत आसानी किया उसने, 5 × 5 × 4 और हमारे बच्चों को प्रोडक्ट प्रिंसिपल के नहीं पता होता, वो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बस, पता ही नहीं कि प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने आसानी कितनी पैदा की है। अच्छा जी, 25 को 4 से करो 100, तो भाई नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर कितने बनेंगे? 100, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पार्ट नंबर 2 में क्या है बच्चों? रिपीटेशन अलाउ है। अब जरा देखते हैं रिपीटेशन अलाउ का मतलब क्या होता है, किस तरह आप सॉल्व करते हैं। अगेन मेथड आप वही यूज करेंगे, नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, पहली प्लेस पे कितने पुट कर सकते हो? भाई रिपीटेशन हो या ना हो पहली प्लेस पे जीरो नहीं पुट कर सकते हैं, जीरो पुट करोगे थ्री डिजिट का नंबर नहीं होगा, तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो पहली प्लेस के लिए अभी भी ऑप्शन कितने हैं भाई? पांच ही हैं, 2, 3, 5, 8, 9 कोई भी पांच आप पुट कर सकते हैं। जो सवाल रिपीटेशन के होते हैं ना उसमें मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पहला डिजिट पुट किया एकदम से वापस आ गया, वो यही बात था वो जो हमारे एक वो एक थे ना आलम लड्डन जाफरी पता नहीं वो किस्सा सुनाते थे, वो मोहतरम बताते थे कि आप मतलब पता नहीं दिन के वक्त वो मर जाया करते थे, शाम में नेपाल जाते थे, पता नहीं कोई बंदा आता था उनको उठा दिया करता था। ये वही चीज है कि अभी डिजिट जो है वो पहले प्लेस पे आ गया वो मर गया, थोड़ी देर बाद बंदा आएगा दोबारा उसको उठा देगा, तो जो सेकंड प्लेस है दोबारा वो सेकंड प्लेस पे आ सकता है, वो रिपीटेशन अलाउ है, एक दफा किया वो दोबारा आ जाएगा, फिर किया वो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पहली प्लेस पे आपने 2 पुट कर दिया लेकिन 2 ये दोबारा आ जाएगा क्योंकि रिपीटेशन यहां पर अलाउ है। तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए सबसे पहले 2, 3, 5, 8, 9 दोबारा ही पांच ऑप्शन होंगे और इसके साथ साथ 0 भी अब इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि 0 सेकंड और थर्ड प्लेस पे आ सकता है। ठीक है, तो दोबारा बताता हूं, रिपीटेशन में होता है कि आपने एक डिजिट पुट कर दिया, ये समझ लो आपके पास ये 2, 3, 5 जितने डिजिट है ना इनका बहुत बड़ा स्टॉक है, आप 2 आपने पुट किया आपके स्टॉक में दोबारा 2 अब मौजूद है, आप दोबारा 2 पुट कर सकते हो, फिर सेकंड प्लेस पे आपने 2 पुट किया आपके स्टॉक में एक और 2 बढ़ा हुआ है, आप थर्ड प्लेस पे पुट कर सकते हो। तो यहां पे चीजें खत्म नहीं होती, जैसे यहां पे खत्म हो जाया करती थी ना, यहां पे खत्म नहीं होती, तो ऑप्शन वैसे के वैसे ही रहते हैं और किसी केस में ऑप्शन बढ़ जाते हैं, जैसे पहली जगह पे आप 0 नहीं पुट कर पा रहे थे लेकिन दूसरी जगह पे 0 पुट कर सकते हो, तो दूसरी प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है?
छह ऑप्शन है। अगेन फॉर एग्जाम्पल टू पुट कर दिया, टू दोबारा आ जाएगा। अगेन इस प्लेस के लिए भी आपके पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे, आपके पास छह के छह ऑप्शन होंगे। बाई यूजिंग प्रोडक्ट प्रिंसिपल ये हो जाएगा 5 × 6 × 6, 5 × 6 = 30, 30 × 6 = 180। तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर 180। उसके पास 7.1 में डिजिट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अब जरा उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर। अच्छा ये जो वर्डिंग होती है ना, हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये नहीं होता कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब होता है कि नेचुरल नंबर आपस में डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला है 235 तो दूसरा भी 235 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है, जो कि होता नहीं है, लेकिन एहतियातन वो बोलते हैं हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर। ये जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल आप लगाते हो इसमें डिफरेंट नेचुरल नंबर ही आते हैं। तो ये जो इसका कहने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन अलाउ अगर नहीं होगी ना तो ऊपर इस तरह लिखेंगे कि ई इज हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट या 5 डिफरेंट डिजिट, वो उसका मतलब होता है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। लेकिन एग्जाम में जब भी इस टाइप के सवाल देते हैं ना वो, तो बकायदा मेंशन करते हैं रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब रिपीटेशन का वर्ड देते हैं ताकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज ना हो। लेकिन मैंने टेक्निकल पॉइंट बता दिया आपको। तो आपको हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर मालूम करने कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। 6 डिजिट आपको गिवन है, इन डिजिट से आपको नेचुरल नंबर बनाने हैं लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000, जो कि 10 और 1000 के दरमियान है। ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं सवाल को। गिवन डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 5, 6। आपको नेचुरल नंबर बनाने, अब सवाल ये है कि नेचुरल नंबर बनाने 10 और 1000 के दरमियान, 2 डिजिट और 3 डिजिट और बस 10 और 1000 के दरमियान होने चाहिए वो। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 99। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं भाई, देखो 10 और 1000 के दरमियान 2 डिजिट के नंबर भी होंगे, 3 डिजिट के नंबर भी होंगे, तो दैट्स वाइन दोनों को एक साथ सॉल्व करना मुश्किल है। तो आप क्या करो, आप इनको अलग अलग कर दो, 2 डिजिट के नंबर की जोड़ी बना दो और 3 डिजिट के नंबर की जोड़ी बना दो। सही है, अब सॉल्व करते हैं इसको। पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, क्योंकि 10 और 99 के दरमियान 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं ना, तो 2 प्लेसेस होते हैं बनाने इन नेचुरल नंबर में से। अब मैं अगर आपको बोलूं पहले डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है, अगेन यार वही बात है कि पहले डिजिट पे 0 नहीं आ सकता, पहली प्लेस में 0 आएगा तो वो 2 डिजिट का नंबर नहीं कहलाया जाएगा। तो क्या क्या आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, इन 5 में से कोई भी आ सकता है, इसका मतलब आपके पास 5 ऑप्शन है, कंसिडरिंग आपने 2 पुट कर दिया। अब सेकंड प्लेस पे कितने ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5, 6 और 0। अब देखो यहां पे मैंने रिपीटेशन कंसीडर की है, उसकी वजह यह है कि जो 10 और 99 के दरमियान नंबर होंगे उसमें रिपीटेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल क्या 10 और 99 के दरमियान ये वाला नंबर नहीं होगा 33 जो नंबर है 33, ये इन डिजिट से बना है और 10 और 1000 के दरमियान है। ठीक है, इसी तरह 50, 5, 66, क्या ये नंबर्स नहीं है, बिल्कुल नंबर है 10 और 1000 के दरमियान जिसमें रिपीटेशन आ रही है। तो अब उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, अब ये बुक वालों ने बहुत बड़ी गलती की हुई है। क्यों गलती की हुई है, 7.2 में क्वेश्चन है, एग्जैक्ट यही वर्डिंग है, उसमें कंडीशन है कि 100 मतलब 1000 और 10000 या 100 या 1000 है, मेरे ख्याल में 1000 और 10000 है, मैं नंबर भी चलो बता देता हूं उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर है 7.2 का, ये हाँ 1000 10000 क्वेश्चन नंबर 7 है। अब एग्जैक्ट यही वर्डिंग है, हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म लाइन बिटवीन 1000 एंड 10000 आउट ऑफ द डिजिट, एग्जैक्ट यही वर्डिंग है। इसमें बुक में आंसर लिखा हुआ है विदाउट रिपीटेशन कंसिडर करके, और इस वाले क्वेश्चन में बुक ने आंसर लिखा हुआ है रिपीटेशन कंसीडर करके। अब ये वही बात है, कहीं कुछ बोल रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं। तो अब सब पेपर में जब आता है ना, तो अगर आपको ये सबसे पहले बात बता देते हैं कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं, ताकि मसला ना हो, पेपर में मैंने देखा है कि वो बता देते हैं। बिलफर्ज अगर उन्होंने नहीं बताया तो जो बेस्ट सॉल्यूशन है ये दूसरा, आपके पास ये दोनों कर दो, आप बोलोगे विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आप एक करना चाह रहे हो, 2 कर दो, एहतियातन कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेहतर है कि सॉल्यूशन आपका सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही करना चाह रहे हो तो फिर विद रिपीटेशन वाला करोगे, क्योंकि वर्डिंग के मुताबिक अच्छा सॉल्यूशन ये है जो विद रिपीटेशन है,
क्योंकि 10 और 99 के दरमियान डिजिट जो है वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन कंसीडर करोगे तो अगर आपने 2 पुट किया, 2 दोबारा पुट कर सकते हो। रिपीटेशन में आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है भाई। जीरो भी आप शामिल हो गया, क्योंकि जीरो पहले पे नहीं पुट कर सकते थे, दूसरे पे तो पुट कर सकते हो। प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाओ, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 × 6, आंसर आ जाएगा 30। तो आपके पास कितने 10 और 99 के दरमियान कितने नंबर्स हैं, 30 नंबर्स हैं जो कि इन डिजिट से बने हुए। इसी तरीके से नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 और 1000, 100 और 1000 के दरमियान कितने ऐसे नंबर, अब जरा उनको कंसीडर करते हैं। पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस। सवाल है कि पहली प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो भाई। पहली प्लेस पे अगेन जीरो के अलावा कुछ भी पुट कर दो, जीरो मसला करेगा। तो क्या ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी 5 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल 2 पुट कर दिया, अब सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन होंगे। सेकंड प्लेस में दोबारा 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, और अब 0 भी आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना इस सवाल के अंदर। 100 और 1000 के दरमियान ऐसे नंबर जो रिपीटेशन कर रहे हैं, 222 तीनों रिपीट कर रहे हैं, 333, 344 रिपीटेशन है, किसी में 2 लेटर रिपीट डिजिट कर रहे हैं, किसी में 3 कर रहे हैं, तो बिल्कुल अलाउड है। तो इसका मतलब इसके लिए 6 ऑप्शन है, और इसके लिए भी कितने होंगे, इसके लिए भी 6 ऑप्शन होंगे क्योंकि रिपीटेशन है। अभी भी फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पुट कर लिया, दोबारा पुट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाओ, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5 × 6 × 6, 30, 30 × 6, 180। अब सवाल ये था कि टोटल नंबर बताओ, तो आप टोटल बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 और 1000 इज इक्वल टू 30 + 180। 30 और 180 को आप ऐड करो, 210, तो 210 ऐसे नंबर्स हैं जो 10 और 1000 के दरमियान हैं, जो कि इन डिजिट से बने हैं। तो आपने दोनों को ऐड कर दिया, इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करो। 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिजिट से रिलेटेड है, तो उन्हीं को भी हम साफ करते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जहन में ही है अभी, ताकि सब कंप्लीट हो जाए। तो 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, जो मैंने बताया था, इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सेम वर्डिंग के साथ बुक में आंसर विदाउट रिपीटेशन लिखा हुआ है, लेकिन मैं विद रिपीटेशन लिखवाऊंगा, सिंपल सी बात है। आंसर को मैंने फॉलो नहीं करना, मैंने सवाल को देखना है। तो पेपर में आएगा मैं बताऊंगा, पेपर में रिपीटेशन वो बता देते हैं आपको, अगर नहीं बताएंगे तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है, इसी को फॉलो करना है आपने, क्योंकि पेपर में क्या बुक कौन सी है, पेपर में बुक शुक कुछ नहीं होती भाई, आंसर कोई नहीं होते, बस जो मेथड है बुक में, जो मेथड डिस्कस हुआ है वो उसके मुताबिक आपने चलना है, आंसर को फॉलो नहीं करना होगा आपने, ठीक है। आंसर आपको पता क्या होगा, पेपर में अगर सवाल भूल गया आपको नहीं पता, विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन कैसे पता चलेगा। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है उससे आइडिया लगाओगे, कॉन्सेप्ट ये कि रिपीटेशन हो सकती है, या फिर अच्छा सॉल्यूशन मैंने गाइड्स में देखा था, उन्होंने दोनों करवाए हुए थे, विद रिपीटेशन भी विदाउट रिपीटेशन भी। तो अगर अलाव ना हो पेपर में, उन्होंने कुछ बताया ना हो इसके बारे में, तो दोनों कर देना, कौन सा टाइम चला जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन क्या है आपको, सेम यही कॉन्सेप्ट है, यहां पे जो गिवन डिजिट है वो है 0, 1, 2, 5, 7, 9, और लिखा हुआ है 1000 और 10000। देखो 1000 और 10000 के दरमियान जो नंबर होंगे वो 4 डिजिट होंगे, 10000 को कंसीडर ना करो, उसको तो 5 हो जाएंगे ना, हम कंसीडर कर रहे हैं 1000 और 10000 के दरमियान जो नंबर है, विदाउट इंक्लूडिंग 10000 कितने नंबर हैं जो इन डिजिट से बने हैं। तो ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, इसके लिए आपको 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1000 और 10000 क्या होंगे भाई, 4 डिजिट के नंबर होंगे, 4 प्लेसेस आपको चाहिए, 1, 2, 3, 4, 4 प्लेसेस। अगेन भाई कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट वही है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर अभी तक। नेक्स्ट स्टेप में नई बात है कि पहली प्लेस के लिए आपके पास 0 हटा दो, 1, 2, 5, 7, 9, कोई भी 5 ऑप्शन है। सेकंड प्लेस फॉर एग्जाम्पल आपने 1 पुट कर दिया, सेकंड प्लेस के लिए अब आपको पता है रिपीटेशन यहां पे अलाउड है, रिपीटेशन यहां पे अलाउड है, तो आपने क्या करना है, दोबारा 1, 2, 5, 7, 9, और अब 0 भी आ जाएगा,
तो छह ऑप्शन है, अगेन छह ऑप्शन है, अगेन छह ऑप्शन है, दोबारा आप इन्हीं को कॉपी करोगे, दोबारा आप इन्हीं को कॉपी करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करो आपस में, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 30, 30 मल्टीप्लाई 6 180, और 180 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 360, 720, 10,080, तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 10,080। देख लेना है, कभी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, गलत होगी तो मुझे बता देना, जो ऑनलाइन मेरे बच्चे वो मुझे कैलकुलेट कर लिया करना, टाइम में जाया करना नहीं चाहता, तो आप लोग अपनी तरफ से कैलकुलेट करके बता दिया करो, अगर गलत है तो बता दिया करो। तो ये जो पहली चीज जो है ना वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की दूसरी चीज क्या लिखी हुई थी, हाउ मेनी ऑफ देम विल नाइदर बी डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2, कह ही रहे कि भाई 1000 और 10,000 के दरमियान ऐसे नंबर्स जो ना 5 से डिवाइड होते हैं, जो ना 2 से डिवाइड होते हैं, वो हमें बताओ। ऐसे कितने नंबर्स हैं 1000 और 10,000 के दरमियान जो ना 2 से डिवाइड होते हैं, जो ना 5 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर आपको बताता हूं, इन डिजिट से 2579, ये ऐसा नंबर है जो ना 5 से डिवाइड होगा ना 2 से डिवाइड होगा। किसी भी नंबर से डिवाइड होने का मतलब कि जब आप डिवाइड करो तो होल नंबर आए, पॉइंट में आंसर ना आए, इन अदर वर्ड्स रिमाइंडर जीरो हो, ठीक है। इसी तरह 2597, इसी तरह 1207, 1209, 1205, बहुत लिस्ट नंबर लिखिए 1000 और 10,000 के दरमियान सारे नंबर्स हैं, जो कि ना 5 से डिवाइड होंगे, जो ना 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब इनको हम कैसे निकालेंगे, इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, मैं सबसे छोटा वाला तरीका करवाता हूं आपको। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 10,000 which are not divisible by 5 and 2, जो 5 या और 2 लिख देते हैं, तो ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड नहीं होते होंगे, ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते होंगे, और कुछ कॉमन नंबर भी होंगे जो 5 और 2, लाइक 1000 और 10,000 के दरमियान तीन कैटेगरी होगी ना, जो नंबर 2 से डिवाइड होते होंगे, कुछ नंबर 5 से डिवाइड होते होंगे, और कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1250, ये 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, तो ये तीन कैटेगरी के नंबर हमें नहीं इंक्लूड करना है, कि जो 2 से डिवाइड हो या वो 5 से डिवाइड हो या दोनों से डिवाइड हो, ये नहीं हमें चाहिए। इसके अलावा जो नंबर है ना वो हमें चाहिए, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात भाई डिजिट 4 ही होंगे, 4 डिजिट का नेचुरल नंबर है, मैंने बोला था जो रिस्ट्रिक्शन होती है सबसे पहले उसको फिल करते हो। अब 4 डिजिट के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या है इसको जरा और समझो। आप लोगों ने बचपन में बात पढ़ी होगी डिविजिबिलिटी रूल के अंदर, कि जिस नंबर के एंड पे या 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, ये 5 डिजिट में से कोई भी आ जाए तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, और जिन नंबर्स के एंड पे कोई इवन नंबर ना हो, मतलब 0, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 ये ना हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, ये 2 की बात बता रहा हूं मैं। तो अगर गिवन डिजिट्स की बात करो, इसमें कौन कौन से नेचुरल नंबर गिवन है, इवन नंबर 0 और 2, ये दो नेचुरल नंबर गिवन है आपको, तो अगर ये एंड पे आएंगे तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एंड पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए जो डिवाइड ना होते हो, नाइदर की बात करनी है हमें। तो जिन नंबर्स के एंड पे ये नहीं आता होगा वो हमारे काम के नंबर है, सबसे पहली बात। अब बात करते हैं 5 की। आपने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा होगा जो नंबर 5 से डिवाइड होता है उसके एंड पे या तो 0 होता है या 5 होता है, ऐसा नहीं आपने देखा होगा किसी के एंड पे 7 आ रहा है वो 5 से डिवाइड हो रहा होगा, नहीं, या 0 आएगा या 5 होगा तब वो 5 से डिवाइड होगा। अब 0, 5 गिवन है यहां पे, हाँ दोनों गिवन है 0 और 5, तो अगर आप कंबाइन बात करो 0, 2, 5, ये तीन ऐसे डिजिट है जो हमें नहीं चाहिए आखिरी प्लेस के ऊपर, इस सवाल के अंदर की बात करो, इस सवाल में रिस्ट्रिक्शन क्या आती, 5 और 2 दोनों से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आखिरी वाली प्लेस पे ना 0 आ सकता है ना 2 आ सकता है ना 5 आ सकता है, तीनों हमें पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेपर में आ जाए कि विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5, अब दो रिस्ट्रिक्शन है 0 और 5, 2 एंड पे आ सकता है क्योंकि जिस नंबर के एंड पे 2 है वो 5 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेपर में आ जाए विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनके एंड पे
5 आ सकता है, तो फिर रिस्ट्रिक्शन क्या होगी 0 और 2 की, बस दो ही नंबर मसला करेंगे, बाकी सब अलाउड है। ठीक है, ये मैं सब बातें बता रहा हूं आखिरी प्लेस की रिस्ट्रिक्शन, ये आखिरी प्लेस है, पहली प्लेस में तो कोई मसला नहीं, आखिरी प्लेस की बात की जा रही है। तो जो रिस्ट्रिक्शन होती है सबसे पहले आप उसको फिल करते हो, इस असूल को याद रखो। तो सवाल ये कि आखिरी प्लेस पे आप कौन कौन से डिजिट पुट कर सकते हो, यहां पे 1 पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो, 9 पुट कर सकते हो। ये सब वो नंबर्स होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे नहीं, ना वो 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो आखिरी प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 1, 7, 9, इन्हीं में से आपने कुछ पुट करना है, तब आपके नंबर ना 5 से डिवाइड होंगे ना 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, गिवन ऑप्शन ये है, मतलब 3 भी आ सकता था लेकिन 3 यहां पे गिवन नहीं है ना, तो गिवन ऑप्शन में ये वो नंबर्स हैं जो आप पुट कर सकते हो, तो आपके नंबर 5 या 2 से डिवाइड नहीं होंगे। सही, तो फॉर एग्जांपल आपने 1 पुट कर लिया, मतलब 3 ऑप्शन है यहां पे, मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना कि पहली प्लेस के लिए आप कितने पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो और 9 पुट कर सकते हो, तो 3 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, फिर आपने रिस्ट्रिक्शंस को, मैंने बताया रिस्ट्रिक्शन को आप पहले फिल करते हो। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन को पहले जब आप फिल करोगे तो दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है, क्यों, क्योंकि 0 नहीं आ सकता इसके अंदर। सही है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पे 1 पुट कर लिया तो 1 तो दोबारा पुट कर सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसके अंदर, 1, 7, 9 आप दोबारा पुट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप बाकी नंबर जो वही पुट कर सकते हो, मतलब 0, 2, 5, 0 नहीं बस पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि पहली प्लेस पे 0 नहीं आता, बस इस चीज का आपका ख्याल रखना है। तो पहले आपने इस रिस्ट्रिक्शन को फिल किया, फिर आपने इस रिस्ट्रिक्शन को फिल किया, आपके पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। अब अगर आप नेक्स्ट की बात करो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे 1 पुट कर लिया, अब रिपीटेशन अलाउ है, आप कोई भी 4 इस पे पुट कर सकते हो और साथ साथ 0 भी पुट कर सकते हो और साथ साथ दोबारा 1 को भी पुट कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउ है, तो कोई भी 6 ऑप्शन आपके पास, फिर कोई भी 6 ऑप्शन, तो 5, 6, 30, 36, 180, 183, 540, तो 540 राइट आंसर होगा इस सवाल का। आंसर जो है वो बुक से मैच नहीं करेंगे, क्यों, बुक ने रिपीटेशन कंसीडर नहीं की। अगर आप रिपीटेशन कंसीडर नहीं करोगे तो फिर सवालों कैसे करोगे, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 3 फिल किया, 3 ऑप्शन थे, आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, अब 1 दोबारा पुट नहीं कर सकते, तो पीछे क्या बचेंगे, या तो 7 बचेगा या 9 बचेगा या 2 या 5, क्योंकि 0 भी पुट नहीं कर सकते ना यहाँ पे, तो इसका मतलब आपके पास कोई भी 4 ऑप्शन है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपने 7 पुट कर दिया, अब इस प्लेस के लिए 9 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 5 और 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि 0 हमने पहली प्लेस की वजह से पुट नहीं किया था, ये वजह थी, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 9 पुट कर लिया, अभी कोई भी 3 आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो 4 4 16 16 3 48 48 3, ये हो जाएगा आई गेस 144। 48 को जब आप 3 से करोगे तो 144 ही होगा, 144 ऐसे नंबर होंगे जो ना 5 से डिवाइड होते होंगे ना 2 से डिवाइड होते होंगे। इवन शायद ये भी आंसर ठीक नहीं, क्योंकि मेरी बुक में लिखा हुआ है 300 और 144, इसका मतलब बुक में शायद मिस्टेक हुई थी, और ये बहुत ही मशहूर जमाना क्वेश्चन है जिसमें आंसर में मिस्टेक है, मैंने बहुत टाइम जाया किया था उसके ऊपर पता करने के लिए। हाँ, बुक में 300 और 120 लिखा हुआ है, 120 गलत है, 144 करो अगर रिपीटेशन कंसिडर नहीं कर रहे। रिपीटेशन कंसिडर करोगे तो एक आंसर आएगा 1080 और दूसरा आंसर आएगा 540। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 3 पार्ट दिए हैं, लेकिन सब छोटे छोटे पार्ट है। लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, गिवन डिजिट है, ईच डिजिट कैन बी यूज ओनली वंस, मतलब पार्ट 1 में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले गिवन डिजिट क्या है, गिवन डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले पार्ट में रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है सबसे पहले प्लेस में। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको बनाने हैं कितने नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर, तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर 3 प्लेसेस चाहिए। ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट बच्चों वही है, मैंने असल में करवाने सब क्वेश्चन है इसलिए मजबूरी में करवाने पड़ रहे हैं सारे के सारे, वरना सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। कोई एंड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली रिस्ट्रिक्शन है कि 0 पुट नहीं कर सकते। आपके पास कितने ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी 6 ऑप्शन है यहां पे आप पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 पुट कर लिया, अब दूसरी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6 और अब 0 भी पुट कर सकते हो, अगेन 6 ऑप्शन है।
फिर फॉर एग्जाम्पल टू पुट कर लिया क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, टू दोबारा नहीं पुट कर सकते, थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो इसमें से कुछ भी पुट कर सकते हो, पांच ऑप्शन है। तो सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स 36, 36 को अगर आप 5 से करोगे तो 180 आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 5 180 इज द राइट ऑप्शन, पार्ट वन का आंसर 180 हो गया। अब पार्ट टू पे आ जाओ, पार्ट टू में लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड नंबर्स। अब ये नई बात है कि बताओ इनमें से ऑड नंबर कौन से हैं, और अगेन रिपीटेशन उन्होंने अलाउ नहीं की। सवाल जो पार्ट वन है ना उसी में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, उसका मतलब हाउ मेनी ऑफ दीज लिखा हुआ है ना कि ऑड नंबर बताओ हमें। ये तो थ्री डिजिट के नेचुरल नंबर है सारे के सारे, ये टोटल थ्री डिजिट के नेचुरल नंबर है। अब उन्हीं में से थ्री डिजिट के कुछ ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो ऑड होंगे, तो दैट्स व्हाई रिपीटेशन पार्ट टू में भी अलाउ नहीं है, थ्री में भी अलाउ नहीं है। इसी तरह ये वर्डिंग अगर आप जनरलाइज ना लिखो, ये वर्डिंग हटा दो क्योंकि ये वर्डिंग ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पार्ट वन के लिए, आप इसको पार्ट वन कह दो और सवाल में लिख दो कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जनरलाइज बात हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन से बच जाओगे। पार्ट टू में क्या बोला हुआ है, ऑड नंबर्स, तो नंबर ऑफ थ्री डिजिट ऑड नेचुरल नंबर, अगेन तीन प्लेसेस हैं। अब रिस्ट्रिक्शन जरा देखो, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ऑड की है, ऑड का मतलब क्या होता है, देखो ऑड यहां पे कितने डिजिट है, जो भी ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके एंड पे वन आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा, सेवन आएगा, नाइन आएगा, ये पांच डिजिट अगर किसी भी नंबर के एंड पे आ रहे हैं तो वो नंबर ऑड होता है, और अगर जीरो टू फोर सिक्स एट ये पांच डिजिट किसी भी नंबर के एंड पे होंगे तो वो इवन होगा। तो अगर आपने ऑड नंबर मालूम करने तो आखिरी प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, आप वन पुट कर सकते हो, आप थ्री पुट कर सकते हो, आप फाइव पुट कर सकते हो, दैट्स इट, ये तीन ऑप्शन है, इनमें से कुछ पुट कर सकते हो तभी वो नंबर ऑड नंबर होगा। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपने वन पुट कर लिया, अब सेकंड रिस्ट्रिक्शन कौन सी है यहां पे, जीरो वाली, तो पहली प्लेस को फिल करो। आप वन पुट कर लिए फॉर्म दोबारा पुट नहीं कर सकते, आप थ्री पुट कर सकते हो, फाइव पुट कर सकते हो, इसी तरह जीरो भी पुट नहीं कर सकते, आप टू पुट कर सकते हो, आप फोर पुट कर सकते हो, आप सिक्स पुट कर सकते हो। जो ऑड नंबर्स होते हैं ना उनके स्टार्ट में इवन नंबर आ सकता है, एंड पे इवन नंबर नहीं आना चाहिए, एंड पे अगर कोई इवन नंबर आएगा तो फिर वो उसको इवन कर देगा। तो कोई भी पांच ऑप्शन आप कुछ भी यहां पे पुट कर लो, फॉर एग्जांपल आपने थ्री पुट कर दिया यहां पे, आप सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, आप फाइव पुट कर सकते हो, टू पुट कर सकते हो, फोर पुट कर सकते हो, सिक्स और जीरो भी पुट कर सकते हो। जीरो आपने शामिल नहीं किया था, इधर इसलिए नहीं किया था क्योंकि जीरो इवन बना रहा था, इधर इसलिए नहीं किया था क्योंकि जीरो टू डिजिट कर देगा, यहां पे आप पुट कर सकते हो, आपके पास कोई भी पांच ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 3 ये हो जाएगा 75। तो 75 ऐसे थ्री डिजिट नेचुरल नंबर हैं जो इन डिजिट से बन रहे होंगे और ऑड होंगे वो, सही है। उसके बाद पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री में कंडीशन क्या लिखी हुई है, ग्रेटर देन 330, ग्रेटर देन 330, ऐसे नंबर जो 330 से ग्रेटर हो, भाई इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अलग करना पड़ेगा आपको, क्यों अलग करना पड़ेगा और किसमें अलग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दो हिस्सों में कंप्लीट करेंगे, नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर बिटवीन 330 एंड 399। आप कहोगे सर हमने इस तरह क्यों ब्रेक किया है, थोड़ी देर बाद आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल थ्री डिजिट है तो तीन प्लेसेस आपने बना ली, ठीक है। सवाल ये कि 330, अच्छा अभी उन्होंने बोला है कि 330 से ग्रेटर, ठीक है, और इसमें ये बात कंफर्म है जो सवाल में जो डिजिट गिवन थे आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं डिजिट से आपने बनाना है और वो थ्री डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर पहला सवाल लिखा हुआ है उसमें असल जो चीज है वो बताई गई कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, और एक और चीज बताई थी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, वो पार्ट टू के अंदर भी वैलिड है, पार्ट थ्री के अंदर भी वैलिड है। तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है और थ्री डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो दो पॉसिबिलिटी है, 330 से और 399 के दरमियान या 400 से ग्रेटर, कोई भी थ्री डिजिट का नंबर जो कि बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। मैंने अलग क्यों किया है ये थोड़ी देर बाद आपको बात समझ आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अभी इसी पे मान ले आओ, आप इसी को सॉल्व करो, 330 और 399 के दरमियान नंबर्स को, क्या पॉसिबिलिटी है भाई, इनके दरमियान जो भी नंबर्स हैं वो स्टार्ट 3 से हो रहे हैं, सबसे पहली बात।
इन नंबर्स के दरमियान जो भी नंबर्स हैं वो थ्री से ही स्टार्ट होंगे ना, पहला नंबर थ्री होगा उनका। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, वो एक ही ऑप्शन है थ्री, इसके अलावा कुछ पुट नहीं कर सकते, वरना वो फिर थ्री के अंदर नहीं होंगे ना, 300 के अंदर नहीं होंगे, वो कुछ और ही हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन थ्री है और आप थ्री पुट कर दोगे, मतलब पहली प्लेस के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। अच्छा, रिमेनिंग डिजिट आपके पास क्या आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर एग्जाम्पल, 3 आपने पुट कर लिया। अब दूसरी प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, इसको भी जरा ध्यान से फिल करना है। क्यों, अगर आप ऑब्जर्व करो इन सब नंबर्स में, दूसरी प्लेस पे या तो 3 होगा लेकिन 3 दोबारा नहीं आ सकता, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब ये वाला नंबर इनमें इंक्लूड नहीं होगा, रिपीटेशन है ना इसके अंदर, ये इंक्लूड नहीं है, इससे ग्रेटर कोई नंबर है, इसी तरह इससे लेस कोई नंबर होगा, ये भी अलाउ नहीं है। तो जो भी नंबर होगा इनके दरमियान जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब सेकंड प्लेस पे आप ना 0 पुट कर सकते हो, क्यों 0 ही पुट कर सकते हैं सर, ये वजह है। सेकंड प्लेस पे अगर 0 आ जाएगा तो वो नंबर 330 से ग्रेटर नहीं होगा ना, 330 से कम हो जाएगा। इसी तरह सेकंड प्लेस पे अगर 1 आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो नंबर 330 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 2 आ जाएगा अभी भी 330 से ग्रेटर नहीं हो सकता, लाजमी है यहां पे 3 होना चाहिए, लेकिन 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, आपने 3 पहले पुट कर लिया, 3 दोबारा पुट नहीं कर सकते। तो अब पीछे क्या बचा आपके पास, ये बचा है कोई भी 3 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं, हमने 4, 5, 6 ये 3 ऑप्शन है, 3 में से कुछ भी पुट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 पुट कर लिया है, 3 और 4 आपने पुट कर लिए, रिमेनिंग जितने नंबर्स हैं वो आप आखिरी प्लेस पे फिल कर सकते हो, आखिरी प्लेस पे कोई आपको शर्त नहीं है क्योंकि आखिरी प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 1, 2, 3 जितने भी नंबर है सब आ सकते हैं। तो कौन कौन से नंबर बच गए भाई, 3, 4 आपने पुट कर लिए, तो पीछे 0, 1, 2, 5, 6 ये नंबर बच गए। कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। प्रोडक्ट प्रिंसिपल के तहत मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15। तो 15 ऐसे नंबर है जो 330 और 399 के दरमियान है। अब कोई स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर नहीं, मैं बाद में बताता हूं, अब आप क्या करो, 400 से ग्रेटर नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 400, पहले इसको समझ लो फिर मैं बताता हूं मैंने अलग क्यों किया था। 400 से ग्रेटर जो नंबर है उनको बना रहे हैं, अब कोई भी नंबर अगर 400 से ग्रेटर, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसको ध्यान रखना, कोई भी नंबर 400 से ग्रेटर होगा तो पहली प्लेस पे कम से कम 4 आएगा उसके, फॉर एग्जाम्पल 441 ये अलाउ नहीं है, रिपीटेशन है, 421 पहली प्लेस पे 4 आ रहा है, या पहली प्लेस पे 5 आ सकता है तब भी वो नंबर ग्रेटर देन 400 होगा, या पहली प्लेस पे 6 आ सकता है, ठीक है। तो मतलब पहली प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 4, 5, 6 ये 3 ही नंबर आप पुट कर सकते हो, इसके अलावा को पुट नहीं कर सकते, तो उसका मतलब पहली प्लेस के लिए 3 ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल 4 पुट कर लिया, अब सेकंड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, पहली बात 5 पुट कर सकते हो 6, और आप कोई भी डिजिट पुट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 401 ये भी 400 से ग्रेटर है, 412 ये भी 400 से ग्रेटर है, कहने का मतलब ये कि दूसरी तीसरी प्लेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो 5 से भी पुट कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, 4 नहीं कर सकते, वो फॉर एग्जाम्पल आपने पुट कर दिया है। तो कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल 5 पुट कर लिया आपने, अब कितने ऑप्शन है, 6, 0, 1, 2, 3 ये मैं ऑप्शन के तहत बनाता हूं, आप किसी भी नंबर को कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि दूसरी तीसरी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, फॉर एग्जाम्पल 0 कैंसिल कर दो, अभी भी 5 ऑप्शन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, प्रोडक्ट प्रिंसिपल के तहत आप मल्टीप्लाई करोगे, 3, 6, 18 और 18 को 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 90। अब अलग करने की वजह सुन लो, वजह ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 करना चाहोगे, आप कहोगे सर आपका सॉल्यूशन गलत है, आप फॉर लंबी कर रहे हैं, 330 से ग्रेटर मुझे नंबर निकालने में डायरेक्ट निकालता हूं। अच्छा किस तरह निकालोगे, इस तरह निकालता हूं सर कि पहली प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, पहली प्लेस पे 3 भी आ सकता है क्योंकि 330 से जो ग्रेटर होगा उसमें 3 आ सकता है पहली प्लेस पे, फॉर एग्जाम्पल 341 330 से ग्रेटर है, सही बात है बिल्कुल। पहली प्लेस पे 4 भी आ सकता है, 421 बिल्कुल सही बात है। 5 भी आ सकता है, एनी डिजिट से आपने बनाना था वो 0, 1 से लेके 6 तक, तो भाई फॉर एग्जाम्पल 526 पहली प्लेस पे 5 आ रहा है, पहली प्लेस पे 6 भी आ सकता है, 621 फॉर एग्जाम्पल। तो पहली प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 3 आ सकता है, 0, 1, 2 नहीं, 0 तो वैसे भी नहीं आ सकता और 1, 2 भी नहीं आ सकता, क्यों, पहली प्लेस पे अगर 1 आएगा तो वो 330 से ग्रेटर नहीं होगा, सही है। तो बिल्कुल सही बात बोली यार, कोई भी 4 नंबर आ सकते हैं यहां पे, तो उसी प्लेस का बताओ। अब फंस जाएगा मसला, क्यों,
अगर आप ये कहोगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 पुट कर लिया, अब दूसरी प्लेस पे क्या पुट कर सकते हो? दूसरी प्लेट पे 4 पुट कर सकते हो, 5 पुट कर सकते हो, 6। अब रिमेनिंग का बताओ, रिमेनिंग पुट कर सकते हो या नहीं? मतलब रिमेनिंग की मैं बात कर रहा हूं, 0, 1, 2, क्या ये पुट कर सकते हो? अगर आपने बोला हाँ तो सॉल्यूशन गलत है आपका, अगर आपने बोला ना तो सॉल्यूशन गलत है आपका। क्यों? हाँ भी ना भी, ये दो सिचुएशन बता दो दी है। 330 से लेकर 399 के दरमियान ना नहीं पुट कर सकते। अभी होता है 4, 5, 6 सेकंड प्लेस पे आप नहीं पुट कर सकते, 330 और 399 के दरमियान आप नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आपको नंबर फॉर एग्जाम्पल 2 पुट करोगे सेकंड प्लेस पे नहीं आ सकता, वरना वो नंबर 3, 2 हो जाएगा। और इसके आगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 लगा रहे हो तो ये 330 से कम है, तो 330 और 399 के दरमियान सेकंड प्लेस पे आप 0, 1, 2 नहीं पुट कर सकते। ये वजह थी अलग करवाए। और हाँ कब होगा? 400 से ग्रेटर, 400 से ग्रेटर में आप 0, 1, 2 फोर्थ प्लेस सेकंड प्लेस पे आप पुट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एक साथ नहीं करवाया गया, वरना मसला होगा। तो मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देता, वजह भी बताता हूँ क्यों करवाया मैंने। स्टूडेंट जो 11 क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ईजी है, उसमें वही काम है जो आप लोग पहले करते हुए आए हो, बस कुछ पार्ट डिफरेंट है तो वो हम देखते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, गिवन डिजिट आपके पास क्या है? गिवन डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये गिवन डिजिट है। सबसे पहले पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मेनी नेचुरल नंबर मे बी फॉर्म बाय यूजिंग 4 out of 5 डिजिट। मतलब ये 5 डिजिट है ना, इसमें से 4 डिजिट आपने यूज करने हैं, मतलब 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपने। इफ द डिजिट आर नॉट रिपीटेड इन एनी नंबर, सिंपल केस है, 4 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो इसमें क्या होगा? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली प्लेस पे 5 आएंगे, दूसरी प्लेस पे 4, तीसरी पे 3, चौथी पे 2, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में बोला हुआ है इफ द डिजिट मे बी रिपीटेड, सिंपल सा केस है रिपीटेड वाला, तो इसके अंदर ये होगा कि अगर 4 डिजिट का नंबर आपने बनाना है तो भाई पहली प्लेस पे कोई भी 5 आ सकते हैं, दूसरी पे भी 5 आ सकते हैं, तीसरी पे भी 5 आ सकते हैं, चौथी पे भी 5 आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है ना। पहली प्लेस पे फॉर एग्जाम्पल 1 पुट कर लिया तो 1 दोबारा भी आप पुट कर सकते हो, तो इसका मतलब हर प्लेस के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है। मल्टीप्लाई कर दो 5 की पावर 4, ये हो जाएगा 625। जो बाकी दो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है, वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग डू इट योरसेल्फ। तो पार्ट नंबर 3 पे आ जाओ। पार्ट नंबर 3 क्या है? बिगिन विद 2 और रिपीटेशन अभी भी अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, सवाल में लिखा हुआ है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और बताओ ऐसे नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, अब इसमें क्या होगा? तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नेचुरल नंबर बिगिन विथ 2, 4 डिजिट है तो 4 प्लेसेस। अब ऐसे नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली बात है पहली प्लेस पे क्या आएगा? पहली प्लेस पे एक ही ऑप्शन है, वो 2 है, क्योंकि नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं तो पहली प्लेस के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है। चूंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 2 आपने पुट कर दिया, 2 दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो आप दोबारा आपके पास कितने ऑप्शन है? आप 1 पुट कर सकते हो, 3, 4, 5, इसमें से कोई भी 4 आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 पुट कर लिया, अब आपके पास कोई भी 3 ऑप्शन है, 3, 4, 5, कोई भी 3 पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पुट कर दिया, अब आपके पास कोई भी 2 ऑप्शन है 4, 5 में से, 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1 × 4 × 3 × 2, 4 × 12 × 2 = 24, 24 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, और पार्ट 4 में अगेन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और आपको बोला है एंड विद 25, ऐसे नंबर जो एंड हो रहे हैं 25 के ऊपर। अब जरा इनको देखते हैं, पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है एंड विद 25, आप हेडिंग डाल देना एंड विद 25 और रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसके अंदर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? नंबर ऑफ 4 डिजिट नेचुरल नंबर जो एंड हो रहे हैं एंड विद 25, तो फॉर एग्जाम्पल 4 डिजिट है तो 4 डिजिट बना लिए। अब ऐसे नंबर जिनके एंड पे 25 आ रहा है, तो ये तो फिक्स कर दिया ना उन्होंने कि आखिरी प्लेस पे क्या आएगा, आखिरी प्लेस पे 5 आएगा, उससे आखिरी प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 और 5 मतलब एंड विद, फॉर एग्जाम्पल नंबर है इन डिजिट से बनाते हैं 3, 1, 2, 5, 4, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 5, तो ये वो सब नंबर है जिनके एंड पे 25 आ रहा है, तो आखिरी वाली प्लेस के लिए एक ही ऑप्शन है 5, सेकेंड लास्ट के लिए एक ही ऑप्शन है 2। ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है।
इसमें तो कुछ चूज कर ही नहीं सकते ना आप, पुट ही पुट करना है। तो 2, 5 आपने यहां पे पुट कर दिया, 2 आपने यहां पे पुट कर दिया। अब जरा पहली प्लेस पे आ जाओ भाई, आपने 2 और 5 पुट कर दिए, पीछे बचे 1, 3, 4। 1, 3, 4 में से कुछ भी पुट कर सकते हो, 3 ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल 1 पुट कर दिया, आप कोई भी 2 ऑप्शन बचे कुछ भी 2 पुट कर सकते हो। मल्टीप्लाई करो 3 × 2 × 1 × 1 ये हो जाएगा 6। तो 6 जो है वो यहां पे राइट ऑप्शन होगा।